क्या आप जानते हैं कि शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाकर वाहन को जब्त कर लेती है। कोर्ट में जुर्माना भरने के बाद ही गाड़ी वापस मिलती है। शराब पीकर वाहन चलाने पर न्यूनतम जुर्माना जहां 10,000 रुपए का है, वहीं ये जुर्माना की राशि पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। ट्रैफिक थाना ऐसे वाहनों से भरा पड़ा है जिन्हें 3-3 साल से उनके वाहन मालिक ना तो छुड़ाने आए और ना ही कोर्ट में जुर्माना भरा। साल 2019 से अभी तक 50 दोपहिया वाहन ट्रैफिक थाने में ड्रिंक एंड ड्राइव केस के खड़े हैं। असल कारण ये है कि थाने में खड़े 95% वाहन कंडम हो चुके हैं जिनकी बाजार वैल्यू 4,000 से 5,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए जुर्माना भरकर उनके मालिक उनको क्यों छुड़ाएंगे। अब यही वाहन पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। डीएसपी नरेश बाबू अनोठिया ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना जुर्म है। इससे वाहन चालक अपनी जान को संकट में तो डालता ही है, साथ में सड़क पर और लोगों के लिए भी खतरा हो जाता है। इस कारण ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस पुलिस बनाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसमें कम से कम 10,000 रुपए का चालान भरना पड़ता है, जिसके बाद जैसी कमी होती है वैसा जुर्माना की राशि बढ़ती चली जाती है। हाल में ही पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के ताबड़तोड़ केस बनाए हैं, पर पुलिस के लिए ये सिरदर्द भी बन गए हैं। साल 2019 से लेकर के अभी तक ट्रैफिक थानों में ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए 50 दोपहिया वाहन ऐसे खड़े हैं जिनके मालिक उनको उठाने के लिए ही नहीं आए। कोई वाहन 3 साल तो कोई 2 साल से थाने में खड़ा है। पहले ही ये वाहन कंडम थे और अब भी बुरी हालत में हो गए हैं। 95% वाहन ऐसे हैं जो 10 से 15 साल पुराने हैं। बाजार में उनकी वैल्यू मात्र 4 से 5 हजार रह गई थी, जबकि उनको कोर्ट से छुड़ाने जाएंगे तो 10 से 15 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही परेशानी होगी सो अलग, और ऐसे में वाहन मालिक उनको उठा ही नहीं रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को नोटिस तो भेजती है, लेकिन लोग उसका जवाब नहीं देते। ग्वालियर डीएसपी नरेश बाबू अनोठिया का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई जरूरी है और पुलिस करती रहेगी, लेकिन लोग जब वाहन जब्त हो जाता है तो उसे कोर्ट से छुड़ाने नहीं आते, क्योंकि जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा होती है। थाने में अभी 2019 से ऐसे 50 वाहन रखे हुए हैं जिनको कोई छुड़ाने नहीं आया।